मैगी एक ऐसी चीज जिसका नाम लेते ही ज्यादातर बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। तो आज हम मैगी से बनाते हैं मैगी लॉलीपॉप्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैकेट मैगी लेंगे, उसको तोड़कर थोड़ा सा नमक डालकर पानी में बॉईल कर लेंगे। जब हमारे मैगी अच्छे से बॉईल हो जाए तो इनको छलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बोल में 4 से 5 बॉइल्ड मैश किए हुए आलू लेंगे। इसमें हम बारीक कटा हुआ अनियन ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ गाजर, थोड़े से स्वीट कॉर्न, बॉइल्ड मटर के दाने और 1/2 कप मैगी। इन सब को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिक्सचर में 1 पाउच मैगी मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके 1 स्पून मिक्सचर लेकर थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और 1 आइसक्रीम स्टिक इस पर रखेंगे और सारे साइड से फोल्ड करके एक लॉलीपॉप की शेप रेडी कर लेंगे। हम इसी तरह से सारे मिक्सचर से अपने मैगी पॉप्स रेडी कर लेंगे। अब हमें एक स्लरी बनानी है जिससे कि हमारे ये लॉलीपॉप्स सेट रहें। तो स्लरी के लिए मैंने लिया है 2 स्पून मैदा, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक और पानी डाला है। पानी डालकर एक लंप फ्री स्लरी रेडी कर लेंगे। अब हम इन लॉलीपॉप्स को स्लरी में डिप करते जाएंगे और इन पर बॉइल्ड मैगी लपेटते जाएंगे। मैगी को अच्छे से चिपकाने के लिए एक बार और हम इसको स्लरी में डिप करेंगे और फिर दबा दबा कर अच्छे से मैगी इन पर चिपका देंगे। ऐसा करने से हमारे लॉलीपॉप्स ऑयल में फ्राई करते हुए फटेंगे नहीं। तो हम इसी तरह से अपने सारे पॉप्स को रेडी कर लेंगे और एक प्लेट में सेट करने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो हम इसमें मैगी लॉलीपॉप्स को फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे हमें एक बार में 3 से 4 ही लॉलीपॉप्स को डालना है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो ये ऑयल में फट भी सकते हैं। तो हम पॉप्स को चारों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और फिर एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो हमारे क्रिस्पी टेस्टी मैगी लॉलीपॉप्स रेडी हैं। हम इन पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से घर पर मैगी लॉलीपॉप्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।